आज का प्रातः क्लास है 14 मई 1968। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ कर समझाते। जिस्मानी स्टेज में बैठे हुए हैं, दैहिक याद में बैठे हुए हैं, उनको नहीं समझाते हैं। समझाने वाला भी रूहानी बाप है। सदैव रूहानी स्टेज में रहता है। वो सुबह को बैठकर मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी सन्मुख हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे, सभी अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं, नहीं। कोई देह के धर्म में रहते हैं, कोई स्वधर्म में रहते हैं। कहां न कहां बुद्धि जाती जरूर होगी, अपनी देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में कहीं न कहीं बुद्धि भटक जाती है। तो हर एक अपने को समझे। मूल बात है सतो प्रधान बनने की, सो तो याद की यात्रा से ही बन सकेंगे। बल बाबा सुबह को बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबर बार ही खींचते जाते हैं। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में बच्चे क्या क्या करते हैं? वो तो वही सुबह को आधा घंटा याद की यात्रा, जिसमें आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु फिर सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं कि बाबा तो सभी कुछ जानते हैं। अपने अपने दिल से पूछना है, सारा दिन हमने क्या क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रंग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ ही है, शिव बाबा को ही याद करते थे। परंतु सचमुच याद में थे, बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भूल जाती है। तो अपन को ठगना नहीं है, हम तो शिव बाबा की याद में रहते हैं। देह के सभी धर्मों को भूल जाना है, हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं, सभी आत्माएं बाप को याद करें। और कोई भी याद ना आवे, परंतु सचमुच याद आती है व नहीं याद आती है वो तो खुद ही जाने। ऐसे नहीं बाबा जानी जाना नहार है, अपन की संभाल आप ही करनी है। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर सारा दिन क्या करते हैं वो देखना है। तो खुद पोता मिल निकाले, कितना हम बाप को याद करते हैं। जैसे आशुक मासुक मासुक का मिसाल दिया जाता है, ये आशुक मासुक है रूहानी, इनकी बातें ही न्यारी है। वो जिस्मानी, ये रूहानी,
देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो याद करने बगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेकों को याद करते हो और यहाँ तो याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी है तो बाबा भी छोटी बिंदी है और बहुत बहुत सूक्ष्म है। नॉलेज तो बड़ी विस्तार में है। श्री नारायण व लक्ष्मी विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपन को मियां मिट्ठू समझ करके ठग नहीं लेना, अपन से पूछो सारे दिन में हम कितना समय अपन को आत्मा समझ बाप को याद किया जो कट निकले। कितनों को आप समान बनाया, ये पोता मेल हरेक को अपना रखना है। बाकी बाबा थोड़े ही बैठ देखेंगे एक एक कर, हरेक को अपने लिए रजिस्टर रखना है। डायरियां तो है ही, ये डायरियां स्थूल काम में भी आ सकती हैं तो सूक्ष्म काम में भी आ सकती हैं। अब जो करेगा सो पावेगा, नहीं करेंगे तो पछतावेंगे। देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कितना रहा, उनको दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेंगे, बाबा ने तो रास्ता बताया। आशु को माशु एक दो को याद करते हैं, याद करने से उत्साह में खड़ा हो जाता है। दोनों स्त्री हैं तो भी साक्षात्कार हो सकते हैं, दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र तो भाई से भी तीखे होते हैं, मित्रों का आपस में कितना लव हो जाता है, इतना लव हो जाता है जो भाई भाई में भी न हो सके। एक को बहुत प्यार से अच्छा उठा लेते, बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करते हैं। चकमक है वो एवर प्योर है तो खींचते हैं, बाप तो ऐसे ही कशिश करेंगे जो तुम एकदम पकड़ लो, पर कितने सभी कैसे पकड़ेंगे। बाप तो बेहद का है, वो तो समझते हैं ये बहुत ही लवली बच्चे हैं और ये लवली लव बच्चे बहुत जोर से याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, प्यार में कशिश होती है। पर ये तो थोड़े ही टाइम के लिए, बाबा ने ये प्रोग्राम क्यों रखा है, क्योंकि याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते पीते याद कर सकते हैं। आशुक मासुक कहाँ भी बैठे याद करते, तो यहाँ भी ऐसे बाप को याद करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश हो। और तो कोई उपाय ही नहीं है, बहुत बहुत महीन बात है। तलवार की धार से चलना होता है, याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं हम याद को भूल जाते हैं। तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तलवार की धार से पाप कटेंगे तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है, जैसे वो लोग आग से पानी से पार करते हैं। तुम्हारा फर बुद्धि को योग में ले जाना है बाप के पास। चौदह मई 1968 की वाणी का दूसरा दिन, बाप आए हैं यहाँ हमको शिक्षा देते हैं।
ऊपर में तो नहीं बैठे हैं, यहाँ इस दुनिया में आए हैं। कहते हैं मैं साधारण तन में आया हुआ हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया, चैतन्य हीरा इस डबली में बैठा है, बाकी सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। ये तो बाबा जानते हैं बहुत कशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा घंटा पौना घंटा, परंतु सारा दिन वेस्ट गवाया तो क्या फायदा हुआ। बच्चों को अपने चार्ट का बहुत होना रखना है, ऐसे कि नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार, ये भूल नहीं करनी। महारथियों को भी चार्ट रखना है, और महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं, बहुतों का तो नाम रूप में टाइम वेस्ट हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सभी को समझाई देते। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट समझाई नहीं, ये है मुख्य बात। याद और षष्ठी चक्र, इस षष्ठी चक्र को 84 जन्मों को कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के, और बैरागी भी तुमको आवेगा। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक में अभी रहने का नहीं है, जाने से पहले हमको पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी जरूर चाहिए, क्योंकि नंबरवार माला में फिर होने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आना है। नंबर बार तुम्हारी पूजा होती जाएगी, क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है, जो रजिस्टर नहीं रखते हैं तो चंडिका ठहरे ना, कोई सुधरते नहीं है तो कहा जाता है ये तो कोई चंडी है। सुनते ही नहीं है, कोई बात मानते ही नहीं है, ये फिर है बेहद की बात। अगर नहीं करेंगे करेंगे तो बाप कहेंगे ये बाप के भी मानने वाला नहीं, फिर पत्नी कब हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने ऊपर बहुत नजर रखनी। बाबा सवेरे आकर के कितनी मेहनत कराते हैं, याद किया तो ये बहुत बड़ा माल है, नॉलेज को तो सुस्ती सब्जेक्ट कहेगी, ऐसा सस्ता सब्जेक्ट है। 84 चक्र को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी बड़ी बात है याद की यात्रा। बहुत महंगा सब्जेक्ट है, इसमें फेल भी होते हैं, और तुम्हारी युद्ध भी इसी याद की यात्रा में है। तुम कितना याद करते हो और माया पछाड़ देती है, नॉलेज में तो युद्ध की बात ही नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम है, और यहां तो पवित्र बनने की बात है, लायक बनने की बात। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर के पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते हैं कि सिर्फ आकर के पढ़ाओ।
नहीं, कहेंगे आओ और आकर के पावन बनाओ। तो ये सभी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बहुत सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए, तुमको ये ज्ञान मिलता है वो भी कर्म अनुसार। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए, जो तुमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला, इसलिए बाबा भी अच्छी तरह से बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठावेंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स बैठती होगी, लिखते रहे तो भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करती रहे, फिर पॉइंट्स का वजन करें। परंतु इतनी मेहनत तो कोई करती नहीं है, मुश्किल कोई नोट रखते होंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल कर अलग रखते होंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने के पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी ऐसी मेहनत तो करते नहीं है, और सभी पॉइंट्स किसको याद भी नहीं रहते हैं। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं, तुमको तो बहुत ही जरूरी है, टॉपिक लिख करके फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछाल नहीं खाएंगे, तुम्हारा बुद्धियोग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े बच्चे हैं तो सरलता से चलते हैं, सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता ही नहीं है। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो बच्चों को मत देते हैं, फिर कोई के दिल से लगती है व नहीं लगती है वो तो खुद जाने। भला अपना धंधा धोरी आदि करो, डायरी तो सदैव ही पॉकेट में रहनी चाहिए नोट करने के लिए, और सबसे जास्ती तो तुमको नोट करना है। अपने को मियां मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, भूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है, बली बड़ी भारी सल्तनत स्थापन होती है, कोटों में कोई निकलेंगे। हमको तो इस समय कोई ऐसे देखने में आते नहीं है, कहेंगे मम्मा क्या करती थी, पॉइंट्स लिखवाती थी, तो किताब में ही रहता था, रोज देखती थोड़े ही थी। बाबा तो कहते हैं नोट करके फिर देखो, लिखने की मेहनत चाहिए। बाबा भी सवेरे सवेरे 2 बजे बैठ करके लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट्स भूल जाते थे तो फिर लिखते थे तुमको समझाने के लिए। जो भी बच्चे गए हैं जल्दी में क्यों गए, जरूर कोई कारण होगा, जाने का कोई कारण होगा ना। अच्छा, जाते हैं तो कहाँ गए हैं, उनकी याद की यात्रा की कहाँ वो कर्मातीत अवस्था है। मुफ्त में किसी की बड़ाई भी नहीं करनी होती है। 14 मई 1968 की वाणी का 3रा प्लेन, इसमें बड़ी मेहनत है। इनको भी कर्म भोग कहा जाता है, भोगना तो इनको भी पड़ता है, फिर याद भी करना पड़ता है। अच्छा,
समझो मुरली ब्रह्मा नहीं चलाते हैं, शिव बाबा चलाते हैं। परंतु ये नंदी भी तो चलाते होंगे, बच्चों को सदैव समझाते हैं कि सदैव शिव बाबा ही समझो, वो ही सुनाते हैं। तब बीच बीच में ये भी बोल देते हैं, बाबा भी बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। ये बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं कौन, ब्रह्मा बाबा। कच्ची पक्की पॉइंट्स कब निकल जाती होगी तो समझो ये इनकी है, इनकी ब्रह्मा बाबा की। इनको तो सारा दिन बहुत ख्याल करनी पड़ती है, ढेर के ढेर बच्चे हैं और कितनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ब्राह्मणिया भी नाम रूप में फंस पड़ती हैं, चलायमान हो जाती हैं, जैसे कि फिर तोता बन करके बैठ समझाती है। बच्चों के लिए मकान बनाने, आज की ये सेवा करनी है तो ये भी ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर तो कोई भी चीज होती नहीं। सेकंड बाई सेकंड ये ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते, सबसे जास्ती तो तूफान किसको आवेंगे, अरे माया सबसे जास्ती परीक्षा किनकी लेगी है? सबसे जास्ती परीक्षा इनकी लेगी, इनकी माने राम और कृष्ण की आत्माओं की। नहीं तो औरों को समझाऊं कैसे, फिर स्वप्न भी ढेर आते हैं। ये सब माया है ना, ना आने वाले को भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई तो मेहनत करते करते थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। सबसे प्यारा है बाबा, स्त्री पति को कितना प्यार करती है तो खड्डे में डाल देते हैं। ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं, तो बाबा 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 कह करके अंदर में बहुत महिमा करनी पड़े, बहुत बहुत लव रहना है। जो याद करते हैं तो उनको कशिश होगी, यहाँ आते ही है बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अभी गफलत नहीं करना। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूँ पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा सबकी जांच तो करते हैं ना, सिकल से भी देखते हैं इनका बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश करते हैं, यहाँ बैठे बैठे सभी भूल जाते हैं। बाबा अगर बिगर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वो अवस्था बड़ी अलौकिक बड़ी मीठी होती है।
बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग तो अलग बात, ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। ये है बेहद बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की तो बात ही नहीं आ रही है, यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर शिव बाबा की रथ पर सवारी होगी। बिगर शरीर तो आत्माएं वहां मिल सकती है, यहाँ तो सभी शरीरधारी हैं, जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाप को याद करना पड़ेगा, बहुत प्यार से महिमा करनी है। बाबा हमको क्या देते हैं, भक्तों को थोड़ी मालूम पड़ता है कि हमको क्या मिलता है, तो कुछ भी पता नहीं पड़ता, समझो करके साक्षात्कार होता है, मिलता तो कुछ भी नहीं है। पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं, अभी तुम तो जानते हो बाबा आया हुआ है, इसे जंगल से ले जाते हैं, कहते भी हैं मंगलम भगवान विष्णु, ये कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला हरि है, सभी का कल्याण हो जाता है, और एक ही बाप है, उनको याद करना है, नालिश धारण करनी है, हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते। जरूर हमारे में कोई खामी है, बाप कहते हैं याद की यात्रा का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है, कहेंगे ये भी ड्रामा, अभी फिर अच्छी तरह से जौहर धारण करो। याद की यात्रा यही मुश्किल बात है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, हम सभी भाई भाई हैं, भाई को बाप का परिचय देते हैं, बाप से ही वर्षा पाना है, बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो सभी को बच्चा समझता हूँ, क्या कोई को बच्ची नहीं समझता हूँ, बच्ची बच्ची तो यह कहता होगा कौन है, ब्रह्मा बाबा तो बच्ची बच्ची कहता होगा, मैं तो सिर्फ बच्चे के रूप में ही देखता हूँ, ये बाप थोड़े ही है, कौन कौन बाप नहीं है, ये ब्रह्मा कोई बाप थोड़े ही है, ये उथल पाथल बाबा के आगे बहुत आती है, वंडरफुल पार्ट है। बाप तो कहेंगे मेरे सभी बच्चे हैं, ये कहेंगे कि बहन भाई है, तो वंडरफुल पार्ट है ना, भाई भाई कह करके बात करता होगा, ये भी हीरा हुआ है, देही अभिमानी तो अभी बना नहीं है, कौन है ब्रह्मा बाबा, कौन से सन की बात बोली है, सन 68 की बात है, 68 पूरे होते ही 18 दिन में से भी छोड़ दिया, तो बोला देही अभिमानी तो अभी बना नहीं है, बहुत थोड़े समझते होंगे, क्या ये ब्रह्मा भी अभी देही अभिमानी बना नहीं है, ये अक्षर किसके है, बाबा तो कब बच्चे बच्चे ही कहेगा, आया ही है बच्चों को वर्षा देने, अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग नमस्ते।